हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्मार्टी। तो दोस्तों, आप जब ग्लूगन खरीदने जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि एक बार में पैसा इन्वेस्ट करना है तो कौन सा ग्लूगन अच्छा है और कौन सा ग्लूगन खरीदूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैं सबकी खासियत और खामियाँ बताऊँगा, जिसके कारण आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्लूगन आपको खरीदना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला ग्लूगन मैंने 3 या 4 महीने पहले खरीदा था और ये 20 वाट का ग्लूगन है। इसमें 7 mm का जो ग्लू स्टिक लगता है, इसके साथ हालांकि ग्लू स्टिक भी आता है तो वो ख़त्म हो गया है। तो ये ग्लूगन उतना सही नहीं है, 3 महीने में ये ग्लूगन ख़राब भी हो गया और ये कहीं ना कहीं हीट करता है और हाथ में हीट लगता है तो बहुत दिक्कत होता है। हालांकि इसको प्रेस करने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितने बड़े बड़े ग्लूगन को प्रेस करने में होता है। तो ये ग्लूगन काफ़ी इजी टू यूज़ है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है। मतलब आप इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ग्लूगन 2 से 3 महीने बाद ख़राब हो सकता है। जो चल गया वो चल गया, वो बात अलग है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे आपको बता रहा हूँ, ये ग्लूगन उतना सही नहीं है। अरे उसके बाद दूसरा ग्लूगन है ये दोस्तों, ये 40 वाट का ग्लूगन है। सब ग्लूगन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कौन सा आपको पसंद है वो आप खरीद लीजिए। तो ये 40 वाट का ग्लूगन है जी हाँ दोस्तों, इस ग्लूगन को गर्म होने में एटलीस्ट 6 से 7 मिनट लगता है। सोचिए, कभी ना कभी आपको ग्लूगन का यूज़ तुरंत चाहिए तो ये ग्लूगन को आप गर्म करेंगे, इस ग्लूगन को आप पावर सोर्स से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ये ग्लूगन चार्ज होने में 6 से 7 मिनट टाइम लगता है तो बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग होता है। ये ग्लूगन भी कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा हीट होता है और हाथ को थोड़ा सा दिक्कत होता है। और जो ग्लूगन मैं फेंक चुका हूँ उसका एक खराबी भी था कि उस ग्लूगन को बस ऐसे छोड़ देंगे तो अपने आप ग्लू निकलते रहता है। मतलब उसमें एंटी लॉक सिस्टम कुछ नहीं है, उसमें आप पावर सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो अपने आप वो ग्लूगन पिघलते रहता है और धीरे धीरे गर्म होते रहता है। और 7 mm का जो स्टिक होता है वो तुरंत ख़त्म हो जाता है, तो वो ग्लूगन इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। लेकिन इस ग्लूगन में एंटी लॉक सिस्टम है, मतलब आप अगर इसको पावर सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो और इसको रख देंगे ऐसे टाइप से तो ये अपने आप गर्म होते रहेगा, लेकिन ये इसमें से अपने आप ग्लू नहीं निकलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट है। और ये मैं 6 से 7 साल हो गए इस ग्लूगन को ख़रीदा और इसको यूज़ कर रहा हूँ, आज भी रफ एंड टफ चल रहा है। तो आपका अगर बजट कम है तो आप इस ग्लूगन को खरीद सकते हैं। तो इसमें 11 mm का स्टिक लगता है जो कि जल्दी ख़त्म नहीं होता और 40 वाट का है, मतलब आप ग्लूगन को गर्म करेंगे और किसी सरफेस पे लगाएंगे तो अच्छे से चिपक जाएगा। तो दोस्तों, ये भी ग्लूगन आपके लिए अच्छा है। उसके बाद ये ग्लूगन है, ये कोर्डलेस ग्लूगन है। ये मुझे दूसरे चैनल में स्पॉन्सर मिला था। हालांकि ये बहुत अच्छा ग्लूगन है, आप देख सकते हैं इसका पूरा बैटरी का सेक्शन निकल जाता है। अलग से आप इसमें पेंसिल बैटरी वगैरह लगा सकते हैं 1.5 वोल्ट का, और रिचार्जेबल बैटरी भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल बैटरी लगाएंगे तो जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा और बार बार आपको बैटरी खरीदना पड़ेगा इसके लिए। तो दिक्कत यहाँ पर इसी का ही आता है कि आपको रिचार्जेबल बैटरी भी खरीदनी पड़ेगी और चार्जर भी खरीदना पड़ेगा और बार बार आपको इसको यूज़ करने के लिए चार्ज करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। और साथ ही मैं इसको वापस लगा दूँ तो इसके साथ आपको एक LED मिलने वाला है। ये देखिए LED, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक LED भी मिलने वाला है और इसमें 7 mm का स्टिक लगता है जो कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये तो कहीं ना कहीं ये ग्लूगन भी आपके लिए सही नहीं है, महंगा भी हो जाएगा प्लस आपको बार बार रिचार्ज करना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजट का काम है। तो उसके बाद दोस्तों आते हैं मेन चीज़, ये ग्लूगन बहुत ही अच्छा है। ये मैंने ख़रीदा है जस्ट 2 या 3 महीने हुआ है और इसको बहुत ही इतने सारे ग्लूगन को यूज़ करने के बाद मैं इस ग्लूगन को क्यों खरीदा हूँ। हालांकि मेरे पास कोर्डलेस ग्लूगन है, लेकिन फिर भी मैं वायर वाला ग्लूगन इसलिए खरीदा क्योंकि कोर्डलेस ग्लूगन बार बार चार्ज करने में दिक्कत होता है तो मैं उसको हटा दिया हूँ। यहाँ पे ये ग्लूगन 7 वाट का है तो इतना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसको देखेंगे तो 150 वाट का है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्लूगन को गर्म होने में 2 मिनट टाइम लगता है। आप देखिए, मैं इसको पावर सोर्स के साथ कनेक्ट भी कर दे रहा हूँ तो आप वीडियो को देखते रहिए, तब तक आप देखिए कि ये ग्लूगन कितना समय में गर्म हो जाता है। इसका जो नोज़ल ये बहुत लंबा है, मतलब आप नॉर्मल ग्लूगन को यूज़ करने जाओगे तो ये नोज़ल छोटा होने के कारण ना कहीं कहीं जगह हम ग्लू लगा नहीं सकते। तो इसका नोज़ल लंबा होने के कारण आप इसको हर जगह यूज़ कर पाएंगे। और आप अगर पबजी वगैरह खेलते तो आपको ग्रोज़ा वाला फील देगा। तो यहाँ पर ये ग्लूगन काफ़ी, मतलब बहुत ही बड़ा है हाथ में, उतना छोटा भी नहीं है, लेकिन ये ईजी टू यूज़ है। और इस ग्लूगन को रखने के बाद ऑटोमेटिक इससे कोई ग्लू नहीं निकलता, इसमें एंटी लॉक मैकेनिज्म लगा हुआ है और इसमें आपको 11 से 12 mm का जो स्टिक है वो लगेगा।
तो अभी इतने पीस बचे हैं, बाकी सब मैं यूज़ कर चुका हूँ और इसमें एक ठो लगा भी देता हूँ। और इसका एक सबसे बड़ा खासियत बता देता हूँ, आप जब ग्लू गन को ऐसे रख देंगे ना तो ये ग्लू गन अपने आप बंद हो जाएगा। या दोस्तों इसके अंदर सेंसर लगा है, आप जब भी इसको सीधा करेंगे तभी ये ग्लू गन चालू होगा, नहीं तो ये ग्लू गन बंद रहेगा। तो यहाँ पे अगर ये सीधा है तो ये चालू है, और ऐसा करने से ये बंद, ये चालू, ये बंद। तो ये दोस्तों इस ग्लू गन का और एक खासियत, इसका नोज़ल, ये जो नोज़ल है ये कस्टमाइजेबल है। आप दूसरा जो नोज़ल है वो ऑनलाइन ख़रीद के इसमें लगा सकते हैं। अगर इस नोज़ल से आपका ग्लू ज़्यादा गिर रहा है तो आप पतला नोज़ल भी ख़रीद के इसमें लगा सकते हैं। तो ये फुल्ली कस्टमाइजेबल नोज़ल है इसका, और आप देख सकते हैं ये क्राउन कंपनी का, या यहाँ पे 150 वाट लिखा हुआ है, तो 2 मिनट में ये गर्म हो जाता है। ये सब ग्लू गन में ऐसे कोई सेंसर नहीं है। अगर आप मतलब कभी भी मैं इस ग्लू गन को किसी सरफेस पे रख देता हूँ तो रखने के बाद ना इससे ग्लू निकलते रहता है हल्का हल्का, और ग्लू निकलने के बाद ना ये पूरा चिपक जाता है, बहुत गंदा हो गया है, और ये वीडियो पर्पज़ के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये 2 मिनट में नहीं हुआ है, 1.5 मिनट, 1 या 1.5 मिनट हुआ होगा ये ग्लू गर्म होने लगा है। या दोस्तों ये हल्का निकल रहा है, कोई भी ग्लू गन ऐसा नहीं होता कि उससे एकदम ग्लू नहीं निकलेगा, चाहे जितना भी एंटी लॉक मैकेनिज्म हो, क्योंकि उसका जो नोज़ल है, उसका नोज़ल जितना लंबा है उसके अंदर हीट होगा, उसके अंदर जितना ग्लू होगा वो तो निकलेगा ही निकलेगा, बाकी इस नोज़ल के ऊपर जहाँ पे इसका एंटी लॉक मैकेनिज्म लगा है उसके ऊपर से ग्लू बाहर नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर ये ग्लू गन कहीं ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। हालांकि इसका प्राइस थोड़ा हाई है, मैं कुछ 700 या 750 रुपये से ख़रीदा था, और इसको यूज़ करते टाइम आपको कोई गर्म फील नहीं होगा, तो आपके हाथ के लिए ये भी बहुत सही है। और दोस्तों ये कोई ग्लू गन नहीं है, बस आप थंबनेल को देख के इसको, ये कि बहुत सही लग रहा है, ये थंबनेल को देख के आप अंदर आए, इसी के लिए मैं ये रखा हूँ। ये एक रिमोट है, रिमोट कंट्रोल है, ये कोई ग्लू गन नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए मजाक कर रहा था, तो उसके लिए सॉरी। बाकी सबसे अच्छा ग्लू गन यही वाला है, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस ग्लू गन के ऊपर कर सकते हैं।